पिता पुत्र और प्यार। भारत के अंदर जितने भी पिताश्री हैं उन्हें मेरा हाथ जोड़ के चरण स्पर्श प्रणाम, और भारत के अंदर जितने भी पुत्र हैं उन्हें मेरा प्रेम पूर्वक स्नेह। आज मैं पिता और पुत्र के प्यार के विषय में बात करने आया हूं। आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी स्टोरी जो मेरे साथ बीती हुई है उसके द्वारा मैं आपको जो है ये चीज बताना चाहूंगा। मेरे पिताश्री मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, और मैं हमेशा ये सोचता था कि पिताश्री को कुछ करके दिखाना है। जब मैंने 200 मीटर के अंदर दौड़ के अंदर, मुझे आज भी याद है, जब द्वितीय स्थान प्राप्त किया और मैं पिताजी के पास गया, पिताजी को मैंने अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया, पिताश्री मैं द्वितीय स्थान पे आया हूं, तो उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट को ले लिया। और वह शाम को जब वापस घर लौटे ऑफिस से, तो सर्टिफिकेट शीशे के अंदर फ्रेम हुआ पड़ा था और उन्होंने मुझे दिया। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने उसे हृदय से लगा लिया। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे पिताश्री ने मेरे प्रमाण पत्र, मेरे सर्टिफिकेट्स को शीशे के अंदर फ्रेम के अंदर सजा के मुझे दिया। फिर मैंने उसे एक कील के द्वारा दीवार के अंदर उसे लगाया, तो वहां मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताश्री तो ये कहते थे कि बेटा तू कभी कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जब मैं कामयाब हो गया तो वही मेरे सर्टिफिकेट को लाए फ्रेम में करा के और मुझे दिया इतने प्रेम पूर्वक। ऐसा क्यों? क्या जबकि वो तो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उनके हृदय में मेरे लिए बहुत प्यार था। वो भले ही मुझे डांटते थे, फटकारते थे कि आह तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उनके दिल में ये जरूर था कि मेरा बेटा मेहनत तो करता है, एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। तो इस तरीके से जो है मेरा पिता के प्रति जो है स्नेह बढ़ा। तो शुरुआत में जो है खटास भी रही कि पिताजी हमेशा ही कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। पापा ने कभी ये नहीं कहा कि हाँ बेटा तू एक दिन बहुत अच्छा कार्य करेगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरा सर्टिफिकेट इतने अच्छे तरीके से सजा के मुझे दिया, और तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए ही कहते थे कि बेटा कि तुम एक दिन ऐसा कार्य करो कि तुम्हें जो है मैं खुद जो है इस तरीके से जो है सम्मानित करूं। तो मैं ये चीज इससे आगे आगे मैं आपको बताने से पहले मैं एक छोटा सा गीत जो मैं हमेशा गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। और ये भी जब मैं बहुत ज्यादा टूट जाता था, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता था, समाज से ऐसा लगता था कोई सहारा, बहुत लोग मेरे को बचपने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे को जो है समझाए कि हाँ बेटा तुम ऐसा कर सकते हो, या प्यार से बुझाए। तो फिर मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशन, जैसे आपका गाने के थ्रू, या मेरा लिखने का भी मुझे शौक था, मैं उसके थ्रू अपने मोटिवेशन को बढ़ाता रहता था। पढ़ने का भी मुझे शौक था, अच्छी चीजें पढ़ने का, हमेशा अच्छी चीज पढ़ता था मैं। तो मैं एक गीत पहले गाना चाहूंगा, फिर इसके बाद में आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैं कहता हूं ना तू कुछ नहीं कर सकता, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे मैं कह रहा हूं ना तू कुछ नहीं कर सकता, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। तरम तारा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा
बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पापा ये मेरा सर्टिफिकेट आया है, देखिए अच्छा है ना, अच्छा है ना पापा सर्टिफिकेट। अरे बेटा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट से क्या होगा, क्या हमारे दिन अच्छे होंगे, क्या तुम्हारी नौकरी लगेगी, क्या हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। हाँ पापा जरूर होगी, मुझे भी उम्मीद है, मुझे भी आशा है। ये जो मेरा स्प्रिट, ये जो मेरी सॉन्ग है, ये मुझे, मैं भारत के नव युवक और भारत के पिताश्री, इन दोनों को इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि पिता और पुत्र का जो है प्रेम कहीं ना कहीं खट्टा मीठा होता है। ज्यादा खट्टा होना भी ठीक नहीं और ज्यादा मीठा होना भी ठीक नहीं। जहां उसे सराहने की बात है, स्नेह की बात है, उसे खूब स्नेह दे, और जहां उसे फटकारने की बात हो वहां उसे खूब फटकारे, तभी जाके आपका पुत्र जो है कामयाब होगा। और जब ये दोनों का तालमेल बना रहेगा तो आपका पुत्र एक न एक दिन ऐसा कामयाब होगा, कैसा होगा, वही कहीं वो खिलाड़ी बनेगा, कहीं वो आईएएस बनेगा, कहीं जो है वो वैज्ञानिक बनेगा, कहीं वो इंजीनियर बनेगा। इन दोनों की तुलना में जब वो अच्छी तरीके से पिता पुत्र को जाने, पुत्र पिता को जाने, तब जाके जो है कामयाबी आपको मिलती है। एक मैं आपको खेल के माध्यम से भी इसे बताना चाहूंगा, किस प्रकार से एक खेल के माध्यम से पिता और पुत्र को हम जो है देख सकते हैं, नजरिए से देख सकते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ हो रही है और पुत्र की निगाहें स्टेडियम में बस पिता को ढूंढ रही हैं कि हे मैं बस मेरे पिताश्री मुझे दिख जाएं, उसके बाद जो है मैं इस 100 मीटर दौड़ को जीत के दिखा दूंगा। वो पूरी स्टेडियम में देखता है मगर उसे पिताश्री नहीं दिखते। उनके बाकी सारे जितने भी बच्चे होते हैं उनके लेन में, सबके पिताश्री आए होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है कैसे जो है कामयाब होगा। लेकिन एक धावक जिसके पिताश्री वहां मौजूद नहीं होते, उसकी टकटकैया कि काश मेरे पिताश्री भी यहां होते और मैं 100 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करता। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, ये दिल में एक मजाल था कि मेरे पिताश्री नहीं है, दूसरों के पिताश्री हैं। और दौड़ शुरू हुई और वो दौड़ किसी कारणवश धावक जीत नहीं पाया। मगर अगर उनके पिताश्री उस स्टेडियम में मौजूद होते और जब दौड़ शुरू हो रही होती और पिताश्री कहते, वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, तू कमाल कर देगा, तेरा दिन है, तू जीतेगा, सच मानो वो रेस उसी की होगी, वो जीतता, जरूर जीतता। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पिता को पुत्र का पूरा पूरा साथ होना जरूरी है, उसकी ताली जरूरी है और समय पड़ने पे उसके डांट और फटकार भी जरूरी है। ये दोनों जब रहेंगे तो पुत्र जो है बड़ा अधिकारी भी बनता है। हाँ पुत्र को पिता के प्रति भी जो है ध्यान रखना है। जब वो कमा के आता है, बहुत मुश्किलों से कमा के आता है और आपको खाना बनाना पड़ता है जिसमें पानी है, पानी जो है, पानी की मात्रा ज्यादा है, दाल की मात्रा कम है, मुट्ठी भर है, और उस पानी को आपने दाल को बनाया है, रोटी जो है 3 या 4 रोटी आपके पास है, उसे तोड़ा और आपने उसे पानी के अंदर घोड़ के और उसे खाया, जानते हो कितनी मिठास है इसके अंदर। वो आपके पिता का मेहनत की पूंजी का जो है दाल और रोटी है। एक दिन यही मिठास
आपको कामयाबी की सीढ़ियों तक पहुंचा देगी। पिता की भावनाओं को समझें, पिता की मेहनत को समझें, पिता की स्नेह को समझें, पिता की डांट को समझें और पुत्र पर विश्वास रखें। पुत्र की कामयाबी में आप पूरी मदद करें, चाहे आपको कितना ही भी स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, उसे किसी प्रकार के दुख ना हो, यह पिता का कर्तव्य है। अगर ये दोनों का समझ से बना रहेगा, दोनों का प्रेम बना रहेगा, तो पिता और पुत्र का संबंध इसी तरीके से मिठास बना रहेगा। भारत के अंदर इतने सारे नवयुवक हैं और इस नवयुवक को जो है मैं अपनी जो है शुभकामनाएं देना चाहूंगा और पिता श्री से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वह विश्वास रखे, मेहनत करे, आपका बेटा एक न एक दिन जरूर कामयाब होगा। नमस्कार।